Thanks a lot. Interesting to know, you know, interesting to know, and you know, we can easily make efforts. At the most, agency may say that, okay, I don't have information. Okay, you can tell the child that, look, honey, we tried, we went, we asked them, but we didn't have information. So be honest and let the child know that you have made genuine efforts to reach out and try to get information. Because that feeling of respect is very important. That child is a human being, you are respecting, you are trying to understand him, and whatever you are trying to do is in the best interest of him. The positive information and feed it back into the child. But when you have a child who's, you know, who's been found and, you know, you have no background, when you try to give, one is information not being available. ये कब से स्टैब्लिश हुआ? ये CSA हमने 13 साल पहले शुरू किया था. CSA हमने 13 साल पहले शुरू किया था और हमारा मकसद ये था कि जो सो CSA वाज स्टार्टेड इन 2003 एंड आर व्हाट वी वांटेड टू डू वाज टू वर्क इन द एरिया ऑफ अडॉप्शन एंड चाइल्ड रिहैबिलिटेशन फॉर ऑर्बिट फॉर ऑर्फन्ड चिल्ड्रन. सो हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चा है और उसको ऑर्फन है और उसको लव एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, देन जहाँ से जहाँ हो सके अडॉप्शन इज़ द बेस्ट वे बिकॉज ही गोज़ इनटू अ लविंग फैमिली. और जहाँ अडॉप्शन नहीं पॉसिबल हो तो वहाँ चाइल्ड होम में वो अच्छी तरह उसकी परवरिश हो. तो हम इस चीज़ के लिए काम करते हैं. ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कारा, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लेकर रखे हैं और प्रोसेस लेकर रखा है. तो उसके हिसाब से जो पेरेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है, उनकी फिर सोशल स्टडी होती है कि भाई वो पेरेंट्स बनने के लिए स्टेबल फैमिली है और वो बच्चे को अच्छी तरह परवरिश कर पाएंगे. और उसके बाद फिर वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज होती हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं. और उसके बाद एक बार बच्चा सिलेक्ट हो जाता है या वो मैच हो जाता है, उसके बाद कोर्ट का प्रोसेस होता है. बाद में एंड में कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि अब ये जो बच्चा है ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसका वही राइट्स होते हैं जो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के लिए होते हैं. तो संजय सर, आप CSA से कैसे जुड़े, कितने साल हो गए इसके अंदर? बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हम उनको साथ में. आई थिंक CSA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के वेलफेयर के बारे में देखती है, राइट फ्रॉम न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए टू अडॉप्शन के बारे में क्या होना चाहिए, सब जो बच्चों को रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देखती हैं. आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं भी एक अडॉप्टेड पेरेंट हूँ एंड आई थिंक हर पेरेंट को इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का साथ बहुत जरूरी पड़ जाता है. यहाँ तक कि देखा जाए तो आज भी जब मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे सामने हुआ है, एक माँ थी, उनके 4 बच्चे थे, उससे वो भीख मांगने के लिए बोल रही थी, तो वो बंदा मना कर दिया, तो उसे वो मार रही है स्टेशन पे. मैंने उसके खिलाफ जस्ट एक्शन लिया, तो उनके लिए क्या कर रहा है ये NGO? उन लोगों के लिए स्टेप्स है? हमारा NGO जो है वो उसके लिए देखता है जो बच्चे या तो अडॉप्शन सेंटर में या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और उनकी कैसी देखभाल कर सकें, उनको कैसे अच्छी तरह बड़ा कर सकें, उनको अच्छा कैसे फ्यूचर दे सकें, उसके लिए देखते हैं. जो आप बता रहे हैं बहुत दुख की बात है, दिखाई देता है हम सब लोगों को, लेकिन उसके लिए अलग NGOs हैं जो उस एरिया में काम करते हैं. तो फिर इन से बच्चों के लिए आप कुछ प्लान है, फ्यूचर प्लान्स है इन से बच्चों के लिए? कर देखिए, हमारे देश में इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनको देख के बहुत लगता है कि कुछ करना चाहिए. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सोचते हैं कि जो बच्चे कम से कम किसी संस्था में आ जाते हैं, उनकी अगर हम बहुत अच्छी देखभाल करें, उनको हम बहुत अच्छी तरह
उनके जब वो बड़े हो रहे हैं उसके बाद उनकी लाइवलीहुड हो अच्छा सेटल हो जाए वो लाइफ में, तब जो बच्चे संस्थाज में नहीं हैं, जो बाहर हैं सिस्टम के आउटसाइड हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलेगा कि वो संस्था के अंदर आए। अभी आप ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं जहां बच्चे संस्था में नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हम बाहर ही ठीक हैं। अगर हम संस्था में अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं तब चाहे वो जनरल सोसाइटी हो चाहे वो CWC हो, ये जो जिस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं जहां बच्चों का दे माइट बी एट नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर, तो एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करें। तो वो सब देख सकते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो संस्था में जो बच्चे हैं उनकी कैसी परवरिश करें, उनकी देखभाल कैसे करें। तो संस्था में जो बच्चे हैं उनकी स्टडी या उनके ये सब के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं? तो जो संस्था में बच्चे हैं उसमें हम न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हायर एजुकेशन के लिए, या आप समझ लीजिए कि कैसे किस तरह का उनको जॉब मिल सकता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए, तो हम पूरी देखभाल करने की कोशिश करते हैं। CSA NGO अभी इंडिया में कहां-कहां पे चल रहा है? हम अभी 4 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गोवा में, मध्य प्रदेश में और ओडिशा में। और अभी हम कम्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 60 संस्थाओं के साथ हम काम करते हैं। तो हर संस्था में हम ये देखते हैं कि क्या गैप है, कहाँ इम्प्रूवमेंट का जगह है, और उस एरिया में हम उस संस्था को हेल्प करते हैं। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई पेरेंट्स माँ बाप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो आसान तरीका क्या होता है और कैसे करे वो? आसान तरीका तो कभी नहीं हो सकता किसी चीज़ का, आई थिंक, क्योंकि हमारे नॉर्मल पेरेंटहुड के लिए भी हम लोगों को बहुत 9 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी कुछ मुश्किलें आती हैं। तो अडॉप्टिव पेरेंट होने के लिए भी आपको उन्हीं मुश्किलों से गुजरने का रेडी होना चाहिए। यस, डेफिनेटली एजेंसी से बात करके वहाँ पे होम स्टडी होती है, बाद में कोर्ट में जाना पड़ता है, थोड़ा भागम दौड़ी तो होती ही है, बट आई थिंक फाइनली जब बेबी घर आता है तो उसका जो मज़ा है वो कम्प्लीटली अलग होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कानून कायदा थोड़ा सा लचीला होना चाहिए ताकि लोग आसान से अडॉप्ट कर सके, क्योंकि कानून के पछड़े में कोई पढ़ना नहीं चाहता, चाहता है अडॉप्ट करना पर उसके पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। कहीं ना कहीं पे जो हमारे रूल्स हैं वो कहीं तो स्ट्रिक्ट हैं और थोड़े बहुत पेरेंट की तरफ टिल्टेड नहीं है इसमें ज़्यादा। सो कहीं पे अगर थोड़े बहुत रूल्स बेंड हो जाए, जैसे मैंने जब अडॉप्ट किया था तब मैं सिंगल था, तब बहुत मुश्किल हुई थी बिकॉज लोगों ने कहा सिंगल आदमी को अडॉप्ट करना, रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। सो आई थिंक अगर आसान होता तो शायद मेरा काम जल्दी बन जाता, बट आई थिंक अगर ये हो तो बहुत अच्छा रहेगा फॉर पेरेंट्स जिनको अडॉप्ट करना है, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ दीज रूल्स रेगुलेशंस कहीं ना कहीं पर वो लोग एक दो कदम पीछे ले लेते हैं क्योंकि उनको कोर्ट केसेस में नहीं पढ़ना, झंझटों में नहीं पढ़ना है। बट आई होप हमारी गवर्नमेंट थोड़ा से जरा ये केसेस को थोड़ा लाइट करे। संदीप जी, एक कदम आगे बढ़ाएंगे आप इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सरकार से अपील करना चाहेंगे? हमने ऑलरेडी किए हैं, हमने इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, लेटर्स भेजे हैं प्राइम मिनिस्टर को टू टॉक अबाउट मेकिंग द रूल्स लिटिल इजियर फॉर अडॉप्शन, ताकि हमारे अडॉप्शन नंबर्स बढ़ सकें। सरोगेसी इतनी पॉपुलर हो गई है, अडॉप्शन पॉपुलर नहीं हो रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत बच्चे हैं और उनको एक अच्छा घर, एक प्यार की बहुत ज़रूरत है। संदीप जी, आखिरी सवाल एक चलते चलते महंगाई को लेके, आपके जहन में किस प्रकार की बातें हैं? हम लोगों की अगर बात करें, महंगाई की बात करें, तो खाते हैं तो पछता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। और सर, आज के टाइम पे महंगाई ये हो गई, खुद को पालना इतना डिफिकल्ट है, बच्चे अडॉप्ट करना, ये आई थिंक अडॉप्ट करना, महंगाई, ये हम लोग एक साथ ना जोड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल कपल भी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं तो महंगाई को ध्यान रखते हुए हम लोग बच्चे करते हैं या कभी कभी बच्चे हो जाते हैं।
एडॉप्शन तो एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लानिंग है जो आप करते हैं अपने अपने फैमिली के लिए. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट महंगाई. आई थिंक पढ़ाई लिखाई अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल में ना करके नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में भी करे, आई थिंक वो भी चलता है. आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है कि इंसान को हम प्यार दें, और प्यार से हम आगे बढ़े बढ़े तो आई थिंक पढ़ाई, महंगाई, ये सब दूसरी बातें रह जाएंगी. सर, आपने भी एक चाइल्ड अडॉप्ट किया है, वो जब घर में आया तो उसका क्या फीलिंग्स क्या थी घर में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं तो बहुत घबराया हुआ था जब घर आया हो, क्योंकि 3 साल तक हमारा केस चला था एंड मुझे लगा ही नहीं कि शायद मैं वो केस जीत पाऊँ, क्योंकि मुझे हारते हुए नज़र आ रहा था मेरा केस. जैसे आपने पहले कहा कि कानून में हमारे स्ट्रिक्ट है, कि हमें लगा, मुझे लगा शायद नहीं होगा. बट जब मुझे बोला गया कि वेल केस आप जीत गए हैं एंड आप आके बच्चे से मिलिए, मुझे काफ़ी शौक हुआ कि ओके ठीक है, जाना पड़ेगा मिलने के लिए. बट आई थिंक वो फीलिंग इतनी खूबसूरत थी जब मैंने बच्चे को पहली बार देखा कि आज तक मुझे याद है. उसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, बट आई थिंक कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो अभी भी मैं याद रखूंगा और ज़िंदगी भर याद रखूँगा. वेल मैं जब एंटर किया मैं रूम में तो खेल रहा था और मुझे उसे देखा कि भाई कौन आया है रूम में, और मैंने कहा मैं पसंद खेलूँ, ज्वाइन करूँ. तो मेरे पास नहीं, और उसने अपना खिलौना साथ में ले लिया. बिकॉज आई थिंक मोस्ट टाइम क्या होता है एडॉप्शन सेंटर में, एक खिलौना आपके पास अगर आता है तो ज़्यादा टाइम रहता नहीं कि बाकी बच्चे लेके भाग जाते हैं. तो उसको खिलौना लेके पकड़ा हुआ था कि भाई शायद ये भी लाके कहीं मेरा खिलौना लेके भाग ना जाए. फिर उसको गोद में उठाया, खिलाया पिलाया और बाद में बाहर लेके गए. तो आई थिंक बॉन्डिंग जो शुरू हुई वो अभी तक चल रही है. सर, वो लेटर की बात करें, वो लेटर कितने साल हो गए भेजे हुए, उसका रिप्लाई कुछ आया है कि नहीं? ये हमने जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मिले थे, पिटिशन हमने दिया था. मैं ये गवर्नमेंट को की तरफ से ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने पिछले सालों में कुछ अटेम्प्ट किया है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का. जो प्रोसेस होता है उसके जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रिलिंक्विशिंग पेरेंट है उसके राइट्स प्रोटेक्ट हों, जो बच्चा है उसके राइट्स प्रोटेक्ट हों, और जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट हों. तो जो लीगल अडॉप्शन प्रोसेस है उसकी जो इंटेंट है वो बिल्कुल सही है. उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब हम सब जानते हैं कि हर चीज़ में जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है तब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो सर, इसमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन में? तो उसमें गवर्नमेंट ने भी किया है, अभी उन्होंने सेंट्रल डेटाबेस किया है एक जगह जहां सब बच्चे जितने भी डिफरेंट एजेंसीज में हैं उनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पेरेंट. तो गवर्नमेंट उस तरह कोशिश कर रही है. हमने अभी एक नया वाइट पेपर रिसर्च किया है और एक वाइट पेपर बनाया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरे हमारे देश भर में एक साल में जो अडॉप्शंस होते हैं वो 5,000 से कम होते हैं. अब आप ये सोचिए कि कहाँ इतने लाखों बच्चे हैं जो शायद ऑर्फंड हों, या और कहाँ 5,000. तो ये जो गैप है इसको हमने थोड़ा स्टडी किया है और उसके ऊपर एक हमने अभी वाइट पेपर बनाया है. तो हमने ये देखा है कि ऐसे कई बच्चे हैं जो अनाथालय में जमा हैं, लेकिन क्योंकि अनाथालय को अडॉप्शन के लिए लाइसेंस नहीं है तो वो हो सकता है कि अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो अडॉप्शन स्ट्रीम में पहुंचता ही नहीं है. तो हमने काफ़ी बार कोशिश करके CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनके साथ उनकी उनके अटेंशन में ये बट उनके सहायता से चिल्ड्रन को मूव किया है ऑर्फनेज या से अडॉप्शन एजेंसी में, ताकि वो अडॉप्शन में चले जाए. तो अगर ये गवर्नमेंट हर हर अनाथालय हर ऑर्फनेज में स्टडी करे कि कौन से बच्चे हैं जो फ्री हो सकते हैं अडॉप्शन के लिए, तो हमारी स्टडी के हिसाब से कम 10,000 बच्चे हर साल अडॉप्शन स्ट्रीम में आ सकते हैं. और अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये बच्चा है उसका
उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उसको सबसे बेहतरीन रास्ता क्या होगा? तो किसी फैमिली में जाना, प्यार मिलना, पूरी देखभाल होना, उससे तो और कुछ हो ही नहीं सकता कंपेयर। तो इस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस तो एक बात है, दूसरी बात ये है कि हम और बच्चे जो अडॉप्शन में जा सकते हैं वो कैसे हम करें, तो इसमें अभी काफ़ी काम करना है, गवर्नमेंट को भी काम करना है, सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए, सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अडॉप्शन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे बच्चे को एलिजिबल होते हैं, तो ऐसे जब होगा तो फिर वो परिवर्तन ज़रूर आएगा। सर कुछ एनजीओ ऐसे भी है देखा जाए तो, फिर सर मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, दो की बात कर रहा हूँ, जो बच्चों से गलत काम भी करवाते देखा जाए तो भीख मंगवाना ऐसे भी काम कराते, उनके बारे में क्या बोलना है सर आपके? मैं तो और उनके बारे में जानता नहीं हूँ तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ जो हम काम करते हैं उसके ऊपर ही मैं बात कर सकता हूँ। उसके लिए क्या रिएक्शन क्या है आपके? देखिए जो चाइल्ड राइट्स हैं और जो प्रोटेक्शन है ये हमारी सोसाइटी का कर्तव्य है, हमारी गवर्नमेंट का कर्तव्य है, हमारी इंडिविजुअल्स का कर्तव्य है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी हम कुछ गलत काम देखें, चाहे हम इंडिविजुअल हों, हम देखें पड़ोसी में कुछ हो रहा हो, हम गलत इंस्टीट्यूशन को देखें, कुछ गलत काम देखें, तो हमको चुप नहीं रहना चाहिए, हमको ज़रूर उसका रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन है, ऐसी कई जगह है जहाँ गलत काम रिपोर्ट हो सकता है। तो अगर हम सब मिलके इस तरह का सोच रखें कि हर बच्चा जो है उसके कुछ राइट्स हैं और उन राइट्स का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम सब एज अ सोसाइटी हमारी ड्यूटी बनती है, तो फिर पूरा परिवर्तन हो सकता है। उसमें टाइम लगे लेकिन वो ही फॉलो करना चाहिए, उसमें शॉर्टकट्स लेने ही नहीं चाहिए, वो जो है उसमें ठीक नहीं रहता। सर आखिरी सवाल चलते चलते ऑडियंस से कुछ ये बोल दीजिए, अपील कर दीजिए बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए, अपील भारतीय जनता को। हमारे देश में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको फैमिलीज चाहिए, प्यार चाहिए, एंड आई थिंक हर कोई अगर डिसाइड करे कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए एक बच्चा, आई थिंक उसके कारण हमारे सारे बच्चों को घर मिल जाएगा, एंड आई होप एवरीबॉडी कैन अडॉप्ट एट लीस्ट वन चाइल्ड। थैंक यू सो मच, हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। He was not taught, so he was not beat. So I think somewhere we need to also probably, see inside. शायद मैं कैसा था जब मैं मेरी उम्र का था,
and probably we will realize that they are the same, they are like us. So finally they speak. They will speak our language. If we use good words, they will use good words. If we use foul words, they will use foul language. They learn from us. It's not about being adopted. It's not about being biological. It's about what we teach them at home. It's not about, just now in the interview we said, it's not about international schools. It's not about going to government schools. It's about in the house what teaching is being given to the child. That's most important. Anybody else, one more story I want to know? Studies. No, I'm an MBA, but I'm health management. What am I doing today? I'm dancing. I think we need to all need to learn to appreciate what they do good and not harp on what they do bad. So that's what I think most of us do. ये अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ कितना अच्छा नहीं हुआ अपने अंदर कितना अच्छा किया आपने लोगों ने लेट्स लुक एट आवरसेल्व्स आई थिंक दैट्स व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट माय मदर कीप टेलिंग मी टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ मैम टिल टुडे आई एम श्योर मदर विल टेल यू ठीक नहीं किया तुमने ये बात आई एग्री बट हाउ मच वुड यू वांट टू स्ट्रेस योर चाइल्ड फॉर व्हाट They are not very good at it. Science, the third one, extremely good at all extracurricular activities. And I am struggling big time explaining it to everybody outside, all the teachers, that I am happy if academically she is not achieving very high goals. And I am struggling big time because I don't want her to, they want me to repeat a year for her so that she can do well academically. I am very happy because she is. Okay.